लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
हम कुछ बातों पे तब तक यकीन नहीं करते जब तक अपने साथ नहीं होती। ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ हुआ। सर, हेलीकॉप्टर रिपेयर होने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। यह हमारा प्राइवेट लाउंज है, आप यहां आराम कर सकते हैं सर। शुक्रिया। सुनिए कैप्टन, यहां पे सिगरेट पी सकते हैं? सॉरी सर, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सर। ये चॉपर है? नो सर,
ये तो सिर्फ शो के लिए लाया गया है। I'll be back, sir. अच्छा बॉडी सूट्स, आप लोग मेरी कंपनी के लिए खड़े हैं या मुझे भूतों से बचाएंगे? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। Excuse me, Mr. Khan. I really need to use the power socket. Can I sit here? Sure. Thanks. आपके बॉडम का लेवल मेरे जितना है या मुझसे कई ज्यादा? बोर वो होते हैं जो बोर होते हैं। जो बोर होते हैं वो बोर होते हैं। Makes sense. You're checking your mails, huh? Emails. Email. आप जितनी मसरूफ लग रही हैं, सिर्फ लग रही हैं या वाकई में हैं? वैसे आप करती क्या हैं? मेरा काम सिर्फ संदेशे पहुंचाना है। संदेशा? लाइक अ कुरियर कंपनी, लाइक DHL, FedEx, या फिर कबूतर के टांगों पर चिट्ठियां बांधकर उन्हें उड़ा देना। Something like that. Something like that. मेरे लिए कोई संदेश सा है आपके पास? जी, एक कहानी है। कहानी है? ये लो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चेक कर रहा हूँ। आपके ऊपर कोई कैमरा तो नहीं फिट है या फिर कोई टेप रिकॉर्डर तो नहीं ऑन है? मुझे तो लग रहा है कि आप कोई स्टिंग ऑपरेशन वाली कोई जर्नलिस्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कहानी है जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है। क्या आपकी कहानी आप जितनी खूबसूरत है? मुझसे भी ज्यादा। ओह रियली? तो फिर सुनाइए। लेकिन एक शर्त है। शर्त? जी हाँ, अगर आपने सुनी तो इस कहानी पर आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। ये लो, ये कंडीशन तो मेरे डैडी ने भी मुझ पे कभी नहीं डाली। आजकल की लड़कियों को उंगली दो, उंगली करने लग जाती है। तो फिर आप नहीं सुन सकते। अरे सुनना कौन चाहता है? Ridiculous. चलिए एक लाइन तो बताइए। एक रात की कहानी है। वाओ। छह लोगों की। वाओ। जो एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। How unusual, wow. उस रात एक फोन आया था। कॉल सेंटर में एक फोन आया, कितनी अनोखी बात है ना ये। वाओ। ये ऐसा वैसा फोन नहीं था। उस रात भगवान का फोन आया था। भगवान का फोन आया था? कहा ना, भगवान का फोन आया था। हाँ? बाकी सुननी है तो शर्त माननी होगी। और यहां पे मैं अटक गया। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, वो कहानी मुझे सुननी ही थी। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, आप सुनाइए, आपकी शर्त मंजूर है। इस कहानी को सुनने से पहले इन छह लोगों को जानना बहुत जरूरी है। शाम, शाम बेटा, देख ये तो बहुत गलत कर रहा है। दिन भर तो सोया नहीं और अब रात भर मेहनत करेगा, ऐसे में तो बीमार पड़ जाएगा। बस ये वेबसाइट मैनुअल तैयार हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जरूर कोई और बात है। पिछले 2 महीने से तू ऐसा है। माँ, मैं पिछले 25 सालों से ऐसा हूँ। शाम बेटा, माँ हूँ तेरी। देख तू चिंता बिल्कुल मत कर, भगवान तेरी मेहनत देख रहा है। लगता है तुम्हारा भगवान आज कुछ ज्यादा ही नाराज है। चलो अब जल्दी से कुछ खाना खिला दो प्लीज। हाँ, लाती हूँ। पहले पेट पूजा हो जाए, बहुत भूख लगी है। हे ब्यूटीफुल,
चलो श्याम भैया मेरा स्क्रैप बुक फिल करो। ए चुटकी प्लीज, अभी नहीं है प्लीज। कर देना बेटा, बेचारी कब से तेरा इंतजार कर रही है। मैं खाना लेकर आती हूँ। नो नो इट्स ओके श्याम भैया, बाद में करेंगे। अब तुम ऐसे बोलोगी तो मुझे करना ही पड़ेगा ना माय लिटिल प्रिंसेस। लो बैठ गया मैं हॉट सीट पर। तो छुटकी जी पूछिए आज का पहला सवाल। माय फेवरेट कलर ब्लू। माय फेवरेट फ्रेंड बॉय व्रूम। माय फेवरेट फ्रेंड गर्ल प्रिया। एक्चुअली नो वन। चीटिंग श्याम भैया, क्विकली बोलने का। ओके ठीक है, अगला सवाल। आई वांट टू बी अ टीम लीडर। माय ड्रीम। माय ओन बिजनेस। पर्सन आई डोंट लाइक। बक्शी डेफिनेटली। बक्शी कौन? बक्शी मतलब रावण, खतरनाक रावण। अरे उसे फोन तो करूं। बक्शी नहीं सर, श्याम सर। श्याम सर, एजेंट सैम सर। एजेंट सैम, हे आई ऑलवेज रिकॉग्नाइज अ मैन विद पोटेंशियल। टेल मी सर, वो आज इतनी बारिश हो रही है तो अमेरिका में बारिश हो रही है? सर अमेरिका आई डोंट थिंक सो सर। तो समझो यहां भी बारिश नहीं हो रही है। इफ दे वर्किंग इन अमेरिका, we are working in India. You have a good one. I'll inform the rest of the team, sir. Okay. God bless America. जाइए, फोन उठाइए। जी माँ जी। और सुनिए, मेरा दूध तैयार रखना। जी। हे भगवान, आपने कैसी बहू दी है मुझे। दिन भर फोन पे चटपट। हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। हाँ राधिका, मेरी बख्शी से बात हुई। नौकरियाँ जा रही है ना? देखो अच्छा, फिलहाल तो काम पर चलो। मैं मिलिट्री अंकल और रूम को फोन करता हूँ। तुम डोंट वरी, आई विल टेल द गर्ल्स। थैंक्स योर डार्लिंग, बाय। आर्यन बेटा, तू कभी घोड़े पर बैठा है? नहीं बैठा। कभी हाथी पर बैठा है? हाथी पे भी नहीं बैठा। बेटा अगर तू यहां होता तो मैं तेरे लिए हाथी बन जाता, घोड़ा बन जाता। लेकिन अब तू इतनी दूर चला गया है कि बस फोटो स्कैन करके भेज सकता हूं। हेलो मिलिट्री अंकल, हाउ वी आर वर्किंग टुडे? रोजर दैट सन, I'll be waiting outside at 2100 hours on the dot. शिफ्ट ऑन है, तैयार रहना। और सुन, मुझे पिकअप करने मत आना, मैं बाइक पे आऊंगा। अबे पागल हो गया, एक बार खिड़की के बाहर झांक के तो देख। इस घर में तूफान देखने के लिए खिड़की नहीं खोलनी पड़ती। आ दे एट इट अगेन चैन। हाँ यार, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अच्छा सुन, तू बाइक संभाल के चलाना प्लीज। जरा प्रियंका को कहना था कि आज भी कॉल सेंटर जाना है। यू आर सो स्वीट बेटा, वैसे प्रियंका तुम्हें बहुत मिस करेगी। प्रियंका मुझे मिस करेगी क्यों आंटी? एक मिनट, वही बताएगी तुम्हें। हाँ इसे अगर दोबारा पीटा ना तो पुलिस से इतने डंडे पड़वाऊंगी कि दवा दारू सब भूल जाएगा। जी माँ। राधिका का फोन है। वेरी गुड गर्ल। ए राधिका, ओहो कौन है जो इस बार तेरे प्यार में शराबी हो गया? नहीं यार, वो अपने भाई के पति को लाइन पे ला रही थी। अरे मिस्टर बख्शी को लाइन पे लिया। कैन यू बिलीव इट, आज भी काम पर बुलाया है। ओह गॉड, आर यू सीरियस? एंड लिसन, आंटी कह रही थी दैट यू विल मिस अस। एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग? सब ठीक है ना प्रियंका? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मिलके बताती हूँ। चल बाय। मॉम
पैरी पहना बाबूजी, काम पे जा रहा हूँ। कौन है तो? बाबूजी श्याम बाबूजी। श्याम, इनके दवाइयों का टाइम हो गया है, तू जा। कौन था ये? बाबूजी, दवाई ले लीजिए। तुम कौन? क्यों साहब, आज भी आगे बैठोगे? मिस्टर राम खिलावन भाई को गलत टॉपिक स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट करना। ओह हाँ। तुझे किसी की नजर न लगे, चल। अरे अगर है तो बताओ ना, छुपा की रहे हो यार। हाँ तो बता ही तो रहा हूँ। Stop it both of you, yeah? This is too much. Just relax. Always doing this, yeah? Hi, Shefali. जा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं, I'm sorry, वो क्या कि मेरे बेके लोगों की वजह से मैं लेट हो गया, you know, I'm really sorry. हाँ, तुम तो टीम लीडर हो ना? नहीं, हूँ नहीं, बनने वाला हूँ, वो बख्शी कोशिश कर रहा है ना। But tell me, how's your shift? UK के लोग US से बेटर है ना? I always told you. How unromantic. अपनी कली वाली के साथ काम की बात है? I am very sad because you are very bad. I'm really sorry, sweet कली वाली. लेकिन क्या है कि अब मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है ना, और आपकी टवेरा भी जाने वाली होगी, तो क्यूट कली वाली को जाना होगा ना। ओके, तो सैड बनो। सैड बनो ना टेडी। सैड, ओके, सैड। इज दैट गुड? एडी टेडी सो सैड दैट कली वाली इज गोइंग अवे। सो स्वीट। किची? किची कौन? किस? ओके, या ऑफ कोर्स। चले। Come. They must be waiting for you in the tavera. Let them wait. अरे तुम मिल भी लिए? हाँ जी। कली वाली। शाम। She is skinny, she is white. Bye. Bye, Terry. Hello. Hi. क्या कर रहा है यार? Million dollar expression. धोबी का कुत्ता। ना घर का ना घाट का। लव लाइफ कुत्तों की और करियर उल्लुओं का। गुरुजी, ये आपका फंडा मेरे अंडे में नहीं गया, प्लीज गिव एक्सप्लेनेशन। जरा सोच यार, हमारी जिंदगी उल्टी हो गई है इन गोरों की जिंदगी सीधी करने के चक्कर में। हम नहीं रहे, तू वरुण से विक्टर बन गया, मैं शाम से सैम बन गया। किन के लिए? इन गोरों के लिए।
ये गोरे जब कंफ्यूज होकर लोकल हेल्पलाइन लगाते हैं तो पता है ये फोन कहां कहां से घूम फिर कर हमारे पास आता है और फिर हम सारी रात निकालते हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हाउ मे आई हेल्प यू सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, टेल यू इट्स अ टफ जॉब मैन। तो हस्बैंड एक बात बता, तो गोरो से नाराज है या अपने आप से? अरे यही प्रॉब्लम सारे दफ्तर की है, पूछ ले किसी से भी। यो योर टर्न, कम ऑन चल। ठीक है मैंने चल। और ये है हमारी कंफ्यूज भारतीय नारी रेबेका, सॉरी राधिका। तुझे राधिका से रेबेका बनने में कोई शर्म नहीं आई? अरे एब्सोल्युटली नॉट ब्रूम, आई वुड डू एनीथिंग फॉर अनुज, थैंक्स। ओहो अभी हमको हस्बैंड चालीसा पढ़ाएगी, सॉरी। ओहो मिलिट्री अंकल, एक बात बताइए, आपको यहाँ कभी कभी काम करते हुए गुस्सा नहीं आता? मैं काम पे आने से पहले गुस्सा थूक के आता हूँ। ओह क्या आप गोरों की तरफ गुस्सा थूकते हो? तुम भी तो गोरे हो। चल चल चल, ये तो मुझ पे ही थूक देंगे। ओह बनूंगी मैं मिस इंडिया। ये है एलिजाबेथ उर्फ ईशा, इन्होंने हर मॉडलिंग इवेंट को मिस किया है। ईशा एनी कंप्लेंट्स? Shut up, Vroom. मैं बहुत गुस्से में हूँ, जाओ। Get lost. गुस्से में भी क्या लगती है ना? ओ। चले? नहीं मैं यहीं से जूम करता हूँ। मैं जाऊँ? हाँ। साला भट्टू। पर्ल। प्रियंका जी, एनी प्रॉब्लम्स? सिर्फ तुम दोनों, गॉट इट? मैंने कहा था ना शेफाली बेटर है। यू डिजर्व शेफाली ओनली। और पतली भी है। अरे सुन, लगे हाथ गिरगिट का भी इंटरव्यू ले ले। ओहो बख्शी। बख्शी। Hey बख्शी, you're a lifesaver man. Well, you know, my wife has this thing. She wants to visit, what do you call it? The Taj Mahal or something? Oh, yeah. Your wife's trip to the Taj with family. Consider it done, sir. Give me the pleasure of sponsoring it. No, Bakshi, I can't do that. No, it's not too much. She's she's like my Bobby. Bobby? What do you just say? What? Bobby means brother's wife in India. Brother's wife? Bakshi, you're no brother of mine. Oh, yeah, I know that, sir. But in India, when we like someone, he becomes our relative. So she's my bhabhi. You mean, in India, you make people relatives just like that? Man, India is truly an amazing country. Yeah, India's an amazing country. But God bless America. Bye-bye. Da-da-da-da-da. And it's a slam dunk. Hey, बिल सर, काय का? खाने का सर, और किसका? 200 समोसे? यस सर। 250 कोल्ड ड्रिंक? जी। 300 गुलाब जामुन? लगता है ये बहुत ही अनहेल्थी पार्टी का बिल है। यस सर, 2 महीने हो गए पार्टी को, पेमेंट का अब तक रुपया नहीं मिला। तो सर करेंगे ना? क्या पेमेंट? अरे मैं क्यों करूं सर, वो आपकी बीवी की बर्थडे पार्टी का बिल है। ओ अच्छा, हाँ ये तो मेरी बीवी की बर्थडे पार्टी का बिल है। सर। वो पैदा क्यों हुई? You are right, sir. कर रहे हैं ना? क्या? पेमेंट सर। पेमेंट? अरे ये सब छोड़ो। एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारा कैफेटेरिया कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, लोग उंगलियां चाटते हैं खाने के बाद। आई सी। और कितने साल से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है? तीन साल से सर। 3 साल से? लगता है इस साल किसी और को देना पड़ेगा। क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि कंप्लेंट आई है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मेरे पास आई है कि सूप में मक्खियां मिली, पर वो भी डेंगू वाली। सर, डेंगू मक्खियों से नहीं होता, मच्छरों से होता है सर। कीड़ा होता है। खैर वो छोड़ो, तुम्हारी नौकरी तो गई, अब घर पे बैठ के मक्खियां मारना और मच्छर मारना। नो सर, प्लीज सर। और इस बिल का? सर, मैं तो भूल ही गया, आपकी बीवी मतलब हमारी भाभी। Yeah, that's right. ये मेरी तरफ से भाभी को बर्थडे गिफ्ट है। You're a very intelligent man. बिल फाड़ के फेंक दिया। I love a man with a lot of potential. आप देखना मैं क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता हूँ। सर, क्या हुआ? आपका बॉल। थैंक यू। ओके गाइज, एज एन अनाउंसमेंट, सारे कॉल सेंटर के लोगों को यह सूचित किया जाता है कि आज की रात किसी भी वक्त सबको फायर ड्रिल एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाएगा।
10:29 guys, 1 minute to go. Have a good one. Oh my god, I'm in big trouble. I'm having a problem with my fridge. It's not cooling down. Can you help me? Yes, Mrs. Smith. You have the large WA500 refrigerator, am I right? Yes, this is Mrs. Smith. You know me? So you were saying your in-window room air conditioner cools up much more than you require it? Yes. Can I tell you, you have a very sexy voice. That makes me very hot. Richard, it is not a good morning. I am in a complete bind, and I really need your help. I unscrewed the cover of this thing. You screwed the oven? Well, yeah. What else would I do? Ma'am, you've unscrewed the cover of the oven. That should only be done by company personnel. Victor, I had a large dish, and it was too big, so I improvised with this. Ban gayi curry ki turkey. There's absolutely nothing. I can see anything on my screen. Ma'am, you need to put the power on. Power? It is not gonna work without the power. Oh, thank you. Have a nice day. It's always a pleasure, ma'am. Thank you. Bye-bye. Hello? What happened? Supervisor saab, line mein bahut static hai yaar. Back up kare. The honest truth is, Bakshi, call volumes are going down. We have to get rid of some people. Is that a problem? Oh, no, sir. No problem. No problem at all. Yahan to hazaar log barsaat mein har saal marte hain. What? In India? 1,000 people die every year in the rain. No problem at all, sir. In India, job cuts, no problem. You don't worry about it, sir. Mm, okay. I'm your man in India. Mm-hmm. Bakshi, I will do it. Thank you. You're a real lifesaver, Bakshi. May I come in, sir? Agent Sam, please come in. Sir, what can I do for you? Wo system shut down karne pade, sir. Kyun? Sir, wo lines mein static hai, sir. Static? Ji, sir. वो वेदर की वजह से होगा अभी जाकर चेक करो ठीक हो जाएगा जी नहीं सर वो स्टैटिक काफी बुरा है सर वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा और क्या है कि वो बारिश की वजह से एजेंट्स भी कम है कॉल लोड्स काफी ज्यादा है अगर हम ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे इट विल बी नाइस सर यानी कि दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम जी सर एजेंट सैम सर मैंने तुम्हें सीरियस प्रॉब्लम के बारे में क्या बताया है सर चक इट बैक कम ऑन चक इट बैक नथिंग रियली सर Always look at the big picture. Picture. Yes. Big. Chuck it back. Big picture. Big picture. Yani ki hamesha badi picture pe nazar rakhna bahut zaruri hai. Right, sir. You know what I mean? Yeah, yeah. Let me show you. Main dikhata hu. Ye kya hai? I'm not sure. Ye hai tumhara career graph. Okay. Is waqt tum yahan ho. और तुम्हें यहां पहुंचना है जहां मैं हूं राइट सर ऊंचा सोचो एजेंट सैम ऊंचा सोचोगे तब जाकर ऊंचा पहुंचोगे हाई थिंकिंग समझे अब ये सोचो कि अगर ये सीरियस प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करनी होती तो क्या करते सर मैं सिस्टम वाले को फोन करके इन्फॉर्म कर देता सर लेकिन अगर आप भी फोन कर देंगे तो वो लोग जल्दी आ जाएंगे बट ऑफ कोर्स आई विल मेक द कॉल फर्स्ट इट्स ओके गुड वेरी गुड आई लाइक दैट आई लाइक इट सर वन थिंग सर सर इफ यू कुड टेक अ लुक एट दिस सीडी सर ये क्या सर ये वेबसाइट मैनुअल है जो विक्टर और मैंने तैयार किया सर इट्स रेडी नाउ कंप्लीटली सैम एंड विक्टर्स वेबसाइट मैनुअल Very good. Thanks, sir. Very good. Once you have a look at it, मैं एक कॉपी बॉस्टन भिजवा दूं कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आ गई तो समझ लो Boston पहुंच गई. Of course. Right. Well done, Agent Sam. I like a man with a lot of potential. Thank you. God bless America. Right, sir. Yo, ayo, Sino! Everybody in the house! Mumbai is around 200 miles, so the operating system has corrupted the files. DLL files, DLL files. I'm the system guy with no match. There's a problem in the security patch. Who is gonna fix it? Who is gonna fix it? I'm gonna fix it. Where are you? Iska ilaaj karwao. Kya bolta rehta hai? 20 minute. Break hai. Ash kare. Shyam, your time floss is everybody's favorite. Everybody has Are one. Priyanka, yaad aaya yaar.
आंटी कुछ कह रही थी कि आज कुछ खास न्यूज है. व्हाट इज इट? व्हाट्स द गॉस? तुम लोग तो जानते हो कि मेरी मम्मी का सपना है कि मेरी शादी एक वेल सेटल्ड एनआरआई लड़के से हो. मैं तो हमेशा की तरह ना कर देती, लेकिन इस बार उन्होंने इतना कहा तो मैंने फोन पे बात की. डिसेंट है, वेल सेटल्ड, सियाटल में काम करता है विद माइक्रोसॉफ्ट. मम्मी तो कीन थी ही, फिर उन्होंने मुझसे मेरा डिसीजन पूछा. तो क्या बताया तुमने? आई डोंट नो, समथिंग क्लिक्ड और मैंने हाँ बोल दी. I lose, man. Great news. Isha, great news or breaking news, mein farak hota hai. Congrats. Congratulations, Priyanka. Thank you, uncle. Mera pota, mera beta, dono America mein. Supposed to be a nice country. Anyway, Priyanka, आंटी सही कह रही थी. वी आर रियली गोना मिस यू. और अब तुम फोन की उस तरफ होगी. वॉट एवर इट इज बेब, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टेकन द राइट डिसीजन. ओके, कुछ बोलोगे नहीं? किस बारे में? सिस्टम्स वर्क करने की कोशिश करे, ठीक हो जाएगा. मेरी शादी हो रही है शाम. शादी इज अ गुड थिंग, वेल डन. मेरे मॉम डैड ने भी की थी, दे से इट्स वेरी गुड, सो गुड फॉर यू. थोड़ा अच्छा रिएक्शन दे सकते हो? कहा ना गुड, दो बार कह देता हूँ, गुड गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, 10 out of 10. शादी फिक्स हुई है, इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता. तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ. यार यहाँ सिस्टम डाउन है और इन्हें रिएक्शन की पड़ी है. कब आ गई? हाँ, are you okay? You okay? Yeah, yeah, I'm all right. It's वैसे काफी वजन लेके निकल दिया आप घर से. 1-2 kilo का वजन तो होगा ही. I'm so sorry. No, it's all right. I'm really sorry. Oh, thanks. Priyanka. Shyam. Nice to meet you. I'm sorry once again. I'm really sorry. No, you're most welcome. I mean, it's okay. Okay then. See you. Oh. Oops. See you then. Bye. उस दिन क्या लगी? आज तक लगी हुई है. ये अमेरिकन लॉन्डे क्या किस्मत वाले होते हैं यार. माधुरी से लेके तेरी प्रियंका तक, साले इन एनआरआईज को सब मिल जाती है यार. यार आजकल की लड़की अब प्यार, रोमांस सब बातें करेंगी, लेकिन शादी करेंगी अपने दिल पे हाथ रखकर नहीं, लड़के की जेब पे हाथ रखकर. अरे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना यार, बंधु और अमीर. यार लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं लगता था. 35 equals 10. This rule will help you to understand Americans. Just remember, a 35-year-old American is equal in intelligence with a 10-year-old Indian. They're like children, so be patient. क्या तू अमेरिकन है? नहीं. तो बच्चों की तरह क्या लिख रही है? Shut up. So now we come to our most important session. Accent training and mock calls. Well, I think it's overheated.
Why don't you just switch it off, or best thing, take it to the dealer? Can you try to be a little more polite, show a little more patience? Yes, sir. Good. Well, I think it's overheated. Why don't you just switch it off, or sir, just take it to your nearest dealer. Elizabeth here? Are you my Queen Elizabeth? Then I'm George Bush here. Shut up. May I help you? Of course, Elizabeth. मेरा टॉयलेट का फ्लश नहीं चल रहा है अब मेरी मदद कैसे कर सकता है रूम तुम अमेरिकन हो हिंदी कैसे बोल रहे हो ओ आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना अंग्रेज हिंदी में बात करते हैं हिंदी अंग्रेजी में बात करता है शट अप यार फेड अप ऑलरेडी ना कॉफी पीने चले नौकरी मिलने से पहले ही नौकरी छोड़ रहे हो सर डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर टोस्टर नो मे बी योर वॉशिंग मशीन योर ओवन नो मे बी योर हेड A little low, actually. You mean your heart? Mm-hmm. Well, I'm afraid, sir, I can't help you with that because I seem to be having the same problem. Oh, that's nice. You think a coffee and a movie thereafter might help? Maybe. अगर तू प्रियंका से प्यार करता है, तो शेफाली के साथ क्यों लगा रहता है? यार मैं प्रियंका को दिमाग से निकालना चाहता हूँ, और शेफाली प्रियंका को भुलाने के लिए एक distraction है, you know? समझा. दूध की bottle छुड़वाने के लिए. शिफाली निप्पल है क्या एग्जांपल्स देता है यार तू भी डोंट वरी यार सब कुछ ठीक हो जाएगा अरे यार कल सुबह वो लोग पराठे खाने आ रहे हैं चूड़ा देंगे मिठाई के टोकरे बटेंगे तू बोल रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा इतने दिनों में मैं कुछ नहीं कर पाया एक रात में क्या बदल लूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरा वेबसाइट मैनुअल पास हो गया ना तो टीम लीडर भी बन सकता है यू नेवर नो सुबह में बहुत वक्त है डोंट वरी यार सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा Yo, system cables have no labels, made in Mumbai, jinko banna hai Shanghai. Yo, you know why? Because I am the systems guy. Chup kar, idiot! Mene khol lene, 5 minutes. Shyam? Yeah? Can you please do me a favor? Yeah, sure. Wo Ganesh ka SMS aaya tha. Keh raha hai, call nahi lag rahi. Landline ka number de sakte ho? इंटरनेशनल सौतन अया शो आखिर शादी है भाई प्लीज हेलो श्याम क्या है तू आपका शुभ चिंतन आपके अंदर का एक छोटा सा सेल्फिश सा आपका अपना राक्षस जैसे रावण था अरे खड़े क्यों बैठो ना बैठो बैठो डरो मत बैठो बैठो हाँ आपको अचानक मेरी याद कैसे आई गणेश क्या बोल रहा है सुनना नहीं है लैंडलाइन टैप कर शाम लैंडलाइन टैप कर अरे सिस्टम रूम में जाकर दो तारी तो जोड़ने हाँ मुझे क्या इंटरेस्ट है और टैप करना पाप है सुनसेना पाप है शाम तुम जाओ यार तुम जाओ सुन तो सही वो तेरी प्रियंका को कैसे बता रहा है लैंडलाइन टैप कर शाम लैंडलाइन टैप कर हद हो गई क्या हुआ राधिका बहू बनना मॉडल बनने से ज्यादा मुश्किल काम है ट्रस्ट मी अनुज बेचारा कैलकाटा में काम कर रहा है उसने घर पे फोन किया तो अचानक सास कहने लगी कि मैं मुंह बनाकर दूध बना रही थी बादाम बड़े थे गले में फंस सकते थे कहने लगी कि राधिका मुझे मारना तो नहीं चाहती इट्स टू मच या इतना कुछ करने के बाद भी अनुज मुझे कहता है कि बहू बनना सीखो इट्स अ बिट मच हद हो गई स्टूपिड ही इज व्हाई डू यू इवन बॉदर हाँ राधिका कब तक तुम उनकी ये बकवास सुनती रहोगी और इस उम्र में वो तो बदलने से रही तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा तुम अनुज से बात तो करो पुट योर फुट डाउन टेल हिम व्हाट्स हैपनिंग तुम्हारे बताए बिना उसे मालूम कैसे पड़ेगा ये प्रियंका ने तो नारी मुक्ति आंदोलन शुरू कर दिया क्या वो हमेशा से ऐसी थी हु? नहीं यार शायद मैंने ही उसे ऐसा बना दिया क्या बात है तुम खुशी हाँ लेकिन मैं ज्यादा खुश तब होती जब हम दोनों अकेले होते इट्स अवर सेकंड एनिवर्सरी शाम मैं जानता हूँ इसीलिए तो हमारी खुशी में शामिल होने के लिए मैंने सबको बुलाया व्हाट्स रॉन्ग विद यू तुम कभी नहीं समझोगे प्रियंका I'll just be back, huh? Okay.
अरे राहुल, प्रियंका को देखा? नहीं यार. Did you see प्रियंका? प्रियंका? Oh, you don't know? I don't know प्रियंका. अच्छा. प्रियंका. I'm sorry. देखो आज की रात हमारे लिए स्पेशल है. Let's not spoil it. हमने तय किया था ना कि हम अपने रिश्ते को बढ़ने के लिए वक्त देंगे और अपनी दूसरी सालगिरह पे we'll take this relationship forward to the next level. So tonight's the night we make love, right? देखी है ना? हाँ. लेकिन टाइटैनिक में तो हीरो मर जाता है ना? तो तुम कहाँ बचने वाले हो मेरी जान? This is unbelievable. I'm never gonna forget this night, Shyam. पिछले 2 साल से जेब में लिए घूम रहा हूँ, बस एक्सपायरी डेट चेक करनी.
ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੇਬੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਨਾ ਚੱਲਾਨਾ Priyanka, Ganesh, how are you doing tonight? Hi, Ganesh. Isko office mein kaam nahi hai kya? Ghante ka Microsoft. Bill Gates ka chai wala hoga sir. Shyam, phone tap kar. Arey sambhal yaar. Phone tap kar, bore na kar yaar. Arey, come on. Galat baat hai, bilkul galat baat. Tu ja, maine tere ko bola na, tu ja yaar. Main jaun. Mujhe sochne ka thoda waqt do. Shyam, ek baat bata. Ye Priyanka ka Ganesh ke saath phone pe baat karte waqt Okay, I gotta go now. I'll call you later. Color soch ke rakhna, okay? Bye-bye. Okay. Chalo, talk to you later. Kya bol raha tha? Gaadi kharid raha hai. Koi Lexus Vexus. Wow, Lexus! Boss, ye to Lexus se shaadi kar rahi hai. Color bhi tumhe choose karne ko bol raha tha. Lucky girl. यार ये गणेश लड़का है कि बच्चा लड़की सेलेक्ट करने के लिए मम्मी और गाड़ी का रंग सेलेक्ट करने के लिए बीवी बीवी कौन बीवी नहीं नगर एक काम करते हैं हम लोग लैंडलाइन टैप कर ही लेते हैं ये हुई ना शैतानों वाली बात आई लाइक इट हे शाम अबे डर मत स्टैटिक चेक कर रहा था पोपट समझाए क्या पता कर क्या रहा था लैंडलाइन टैप कर रहा था अब ये मत पूछना क्यों ठीक है बाय अरे ऐसे नाजुक मौके पर ऐसे मुश्किल सवाल मत पूछा कर यार अच्छा एक काम कर जो लाल वायर है ना हाँ वो ब्लू वायर से ज्वाइन कर दे आई डोंट नो व्हाई आई एम हेल्पिंग यू आउट मैन डन और अगर तू छिछोरेपन पे उतर ही आया तो लड़कियां बाथरूम में बात कर रही है चलिए हम बुरखा पहन के लेडीज जेंट्स कॉमन वॉल और दीवारों की भी कान होते शाम का मुंह देखने लायक था जब तुमने फोन के लिए पूछा
Obviously, Isha. प्यार करता है, दर्द तो होगा ही। अरे यार प्यार व्यार सब ठीक है, जरूरी है, लेकिन पैसा ज्यादा जरूरी है। अपनी अपनी जरूरत है, किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा। चल गर्ल्स प्लीज, ये एनडीटीवी का टॉक शो नहीं है। हाँ, लेट्स चेंज द टॉपिक। एंड बाय द वे, जिंदगी में सब कुछ जरूरी होता है, पैसा, प्यार, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सिवाय शाम के। अरे इनकी बात सुनना है, तेरी बात नहीं, सुन। ये अनुज अपनी मम्मी का पल्लू क्यों नहीं छोड़ता? मम्मी का छोड़, बेचारे के पास मेरा पल्लू पकड़ने के लिए टाइम नहीं है। उसका सारा टाइम दूसरों को खुश रखने में चला जाता है। राधिका, सेल्स की नौकरी टफ होती है, करियर के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। Are you okay, Isha? Yeah, I'm fine. फैशन वीक को लेके थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ यार, जितना कर सकती थी कर लिया। I just hope काम हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, भगवान इसका काम करा दे यार। Come on girls, बहुत टाइम हो गया है, लड़के टेंशन ले रहे होंगे। टेंशन हम शाम भी ना, पता नहीं ये कुछ गणेश की न्यूज ठीक से नहीं ले रहा। He's so childish. मेरी बात कर रही है? Get real girls. गणेश is much more well settled than Shyam. Oh God. और बात यहाँ शादी की है, सिर्फ घूमने फिरने की नहीं है, right? मेरी बात करिए। नहीं। चढ़ रहा है, छोड़ तू। ये तो नीचे हट, पीछे। ये तो नीचे हट। अरे छोड़ मेरे ऊपर। नहीं छोड़, छोड़। छोड़ मुझे। हेलो, हाय सर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये काम का प्रेशर समझता हूँ, लेट नाइट्स, लॉन्ग शिफ्ट्स, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज एन अमेरिकन कंपनी, यहाँ सब चलता है। यी हाय। लड़के अपने सीट पे क्यों नहीं है? नो आइडिया सर। ओह नो आइडिया, नो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी, मैं जरा जाके आता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, स्टार्ट स्प्रेडिंग द न्यूज़। सर आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू। आई एम लीविंग टुडे, आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। न्यूयॉर्क, मैं मैनुअल की बात कर ले, बात करूं? हाँ। I'm gonna give it. सर आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी सर, actually वो। Excuse me. No no no, नहीं नहीं सर, it's regarding the manual. Yeah, yes sir. But the website manual. हाँ। अरे not a problem. वो तो Boston पहुँच गया। वो पहुँच गया। Hi. Wow, super. आप लोग लगे रहो boys. Thank you sir. Thank you. Have a good time. Enjoy yourselves. Absolutely. Do visit Alu sometime again, sir. Of course, of course. Hey. Boston, Boston. We gonna make it big. Yeah! क्या सोच रही है? Life is so strange, Vroom. सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक एक पल में जैसे सब कुछ खत्म। You know, Isha, you need an anchor in your life. What do you mean by anchor? आजकल मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचने लगा। मेरे बारे में? Isha, for how long have we been friends? I think we should go beyond. You think that something can? Come on, Isha, you know me, yaar. I think we should see each other. Hello? Yes would be a better answer. रूम, तुम जानते हो कि मैंने मॉडलिंग के लिए घर तक को छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड के लिए मेरी जिंदगी में टाइम और जगह दोनों ही नहीं है। एक बॉयफ्रेंड फ्रेंड भी तो हो सकता है, दोस्त का सपोर्ट भी तो दे सकता है। कम ऑन ईशा, डोंट डिनाय द कंफर्ट लेवल, हमने इतनी रातें साथ में गुजारी है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इन द कॉल सेंटर यार। रूम, मजाक की भी हद होती है, जस्ट शट अप। ईशा, ईशा, ईशा। रूम बस, गर्लफ्रेंड? या
Yes, sir, I do understand. So you're trying to tell me that the vacuum cleaner sucked your socks? Yeah, and like it's not a pleasant feeling. Just sucked in by a machine. It's like Jaws. And you were wearing it at that time? Yeah, and I'm still wearing them. Oh, God, I don't know what to do. Okay, don't panic, sir. All you have to do is just shut down the power. Okay, but how can I move? Oh, thanks. Yes, ma'am, I understand it's an emergency, but you simply cannot wash your bras in the dishwasher. Oh, no bras? Only dishes? Yes, but you can wash the dishes. You really need to add that feature in there. Trust me, women will thank you. Western Appliances, sir. How could I help you? This is Sam here. Good afternoon, Mr. Fox. I heard you're having trouble with your vacuum cleaner. When did you last change your dust bags? Like I remember. Dust bags, my ass. It's a crap machine. Who are you talking to? Said I would request you not to use that language. Give me a break. You're some brown kid from India, right? Sir, I'm sorry, I cannot disclose my location to you. I know you nuts are from India. So what did you do to get this job? A degree nuts in nuclear physics? Sir, do you need help with your vacuum cleaner, yes or no? William, stop it. Look, I can change my own dust bags. When are you going to change your screwed up country? Oi, you good for nothing fat American couch potato? Oh, right, sir. Agar India ke baare mein kuch kaha na, saale phone mein ghus ke maarunga tujhe. Hello? Hello? Vroom, kya kar raha hai yaar? तू जानता है मैं ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत है यार यार वी कांट टॉक टू देम लाइक दैट यार अरे अपने आप को सुपर पावर कहते हैं सारी इंफॉर्मेशन तो हमसे लेते साला अगर रिसेप्शन डाउन नहीं होता ना अंकल सैम को फोन में घुस के मारता ये सिस्टम डाउन हो गया आई हैव टू ऑर्गेनाइज दैट फर्स्ट अरे छोड़ना यार मतलब वी टेक अ ब्रेक वी कांट जस्ट टेक अ ब्रेक लाइक दैट क्यों तुझे बहुत शौक है इनसे बात करने का दैट्स अ जॉब रूम कम रेडी गेट थ्रू आल्सो कमाल है तेरा भी कोरा साला ओए लाइन को क्या हुआ यार कट गई मेरी तरह सबकी लाइनें कट गई स्टूपिड इडियट ओए अब आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है जस्ट मिसिंग अनुज बहुत दिन हो गए उसे मिली नहीं बात करोगी व्हाट बात करा दूं व्हाट कौन अरे ये तुम क्या कर रहे हो ब्रो मिस भी कर रही हो बात भी नहीं करना चाहती आर ऑल गर्ल्स कंफ्यूज्ड स्टॉप इट ब्रूम यू नो हाउ अनुज इज अरे ब्रूम ये क्या कर रहे हो बहुत बहुत लेट हो गया एंड यू नो अनुज डजंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ जोक्स या श्योर ब्रूम या बात करनी है ना मिसिंग हिम ना एवरीवन लाइन 5 हेलो Pick up. Hello. Hi. Am I talking to Mr. Anuj? Yeah, who's this? Hi, this is Max from Radio Mirchi. So you've just won a gift hamper. Gift hamper? Kuch bech to nahi rahe ho na? No, sir. Bech nahi, bhej rahe. In fact, aap bhej sakte ho kisi ko bhi Hindustan mein 1 dozen roses. Really? Anyone. Your friend, your sister, your mother, your wife. तो फिर मैं भेजना चाहूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी गर्लफ्रेंड पायल दिल्ली में रहती है वो एक मॉडर्न लड़की है तो वो के भी मॉडर्न ही भेजना अनुज हू इज पायल हेलो कौन हेलो हेलो मैक्स हेलो हेलो दिस इज नॉट मैक्स This is your wife, Radhika. तुम्हारी बेवकूफ बेवी राधिका ये क्या मजाक है हेलो हेलो राधिका आई एम रियली सॉरी यार तुमने कुछ नहीं किया It's okay. बस दवाई खा लो तो सब ठीक हो जाएगा ये क्या कर रही हो अरे शिट राधिका
ए श्याम जी, यार मैं कब से अपने ग्रैंडसन को मेल भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो एरर मैसेज के साथ मेल वापस आ रहा है। जरा देखो ना क्या है। श्योर, एक मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा, उसे जानवर पसंद है। ये पक्षी की तरह नहीं दिखता। मैंने फाइल जिप कर लिया, थोड़ा रेजोल्यूशन जाएगा लेकिन मेल पहुंच जाएगा। दैट्स डन। जब जवान थे तब आदमियों से लड़ते थे, अब बुढ़ापे में इस कंप्यूटर से लड़ रहे हैं। बट थैंक यू वेरी मच, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। जब दादा बनोगे ना तब समझोगे। दादा? अंकल अभी गर्लफ्रेंड के ठिकाने नहीं है, पता नहीं कब बीवी होगी, बीवी के बच्चे होंगे, मतलब हमारे बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे। बड़ी लंबी स्ट्रगल है अंकल। क्या फिर एरर मैसेज? देखे, नहीं अंकल, इस बार तो जवाब आया। प्लीज डोंट क्लटर माय मेल बॉक्स एज यू हैव क्लटर्ड माय लाइफ। स्टे अवे फ्रॉम माय सन। आई डोंट वांट योर अटैचमेंट और फाइल अटैचमेंट्स। जरूर मुझमें कोई खराबी होगी, वरना बेटा मुझे ऐसी मेल क्यों भेजता? तुमसे नहीं मिलने देगा मुझे। हेलो हेलो प्रियंका, अच्छा हो जो तुमने फोन उठाया। अरे ये दूल्हे में तो मेजर प्रॉब्लम है यार, आवाज सुनी? मॉम आप सोई नहीं? उसने तुझे गुड न्यूज दी क्या? कैसी गुड न्यूज? मर गया क्या? अरे यही कि अगले महीने वो इंडिया आ रहा है। इस बार ना वो लड़कियां देखने आने वाला था, लेकिन उसने तय कर लिया वो शादी करेगा तुझसे। मॉम इतनी जल्दी? ओहो मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है? देखना ग्रैंड इवेंट करूंगी मैं। हाँ मॉम, बात पार्टी ऑर्गेनाइज करने की नहीं है। मैं कैसे किसी को बिना जाने, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। नो नो नो। अरे क्या नो 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 नो? मुझे तेरी चिंता नहीं क्या? पता है तुम्हारे लिए कितनी दुआ मांगी मैंने कि मेरी बेटी का घर बच जाए, वो सुखी हो जाए। अभी मैंने 5th time पूजा खत्म की है सिर्फ तेरे लिए। जब दो औरतें लड़ रही हो तब जो पहले रोई वही जीती। माता जी को सब पता है। जय मम्मी जी की, जय जय मम्मी जी की। मॉम मैं काम पे हूँ, प्लीज और मेक अ सीन। मैंने हाँ तो कर दी है ना, अब शादी के लिए क्यों पुश कर रही हैं आप? मैं उसे मिली तक नहीं हूँ। मिलने से क्या होता है? उस लोफर शाम को कितनी बार मिली थी? कुछ हुआ? ए तू उनकी जान नहीं सकता, तड़पा तड़पा के एकदम प्लीज। मॉम दैट्स ओवर, कितनी बार बोला है, दैट्स हिस्ट्री। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है तू सोच, हाँ टाइम लेके सोच। लेकिन बेटा इस बार ना सबके बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, ठीक है? हाँ प्रियंका की माँ, हाँ इस लोफर को तुम्हारी झांसी वाली रानी ने आज से ठीक 4 महीने पहले हिस्ट्री बना दिया था। सच बताओ श्याम, मेरी मम्मी ने पापा से शादी की जो सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। क्यों? बस वो एक अच्छे इंसान थे। सारी जिंदगी कपड़े धोकर बर्तन मांझ के निकाल दी। उनकी बहनों ने वेट किया और ज्यादा क्वालिफाइड लड़कों से शादी की और आज ज्यादा अमीर हैं और मम्मी को लगता है ज्यादा खुश भी। अब ऐसा तो नहीं कि मम्मी मेरा भला नहीं चाहती, और नेचुरली मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी वेल सेटल्ड लड़के से शादी करूँ। तो हमारे रिश्ते की प्रॉब्लम की वजह सिर्फ तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम भी हो। रिश्ता कभी एक वजह से नहीं बिगड़ता शाम, बहुत से इश्यूज होते हैं। तुम फीडबैक नहीं लेते, ताने मारते रहते हो, मेरी नीड्स को नहीं समझते। कितनी बार कहा अपने करियर पे फोकस करो। शट अप, जस्ट शट अप एंड डोंट स्टार्ट अबाउट माय करियर। ओके आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तुम अपनी ये जो सलाह ना अपने अगले बॉयफ्रेंड के लिए बचा के रखना प्लीज। ये तुम्हारा एटीट्यूड, घर पे मम्मी नहीं समझती, यहां पे तुम कितने बदल गए हो तुम। मैं वही हूं, रोज लगा रहता हूं, बॉस खराब है जानता हूं, पता है आधी दुनिया के बॉस खराब होते, तुम बदलियो।
ढाबे पे जाते थे, चाय पीते थे, खुश थे। लेकिन आज तुम्हें गुजारा करने के लिए एक एनआरआई चाहिए, तो ठीक है, फाइन, ओके, कूल, आई एम कूल, जस्ट गो अहेड एंड ब्रेक अप, ब्रेक अप फॉर ऑल आई केयर। कांट वी एटलीस्ट बी फ्रेंड्स? जी नहीं, बहुत दोस्त है मेरे, एंड आई डोंट नीड फ्रेंड्स लाइक यू। देने चली थी कंसोलेशन प्राइस, हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते। क्या अब कुछ बोलोगी? नहीं, पता नहीं क्या बोलूं। क्यों, कोई आखिरी बुराई, सलाह? मौका मत छोड़ो अपने गुड फॉर नथिंग बॉयफ्रेंड को एक आखिरी ताना देने का, प्लीज। यू नो, तुम कहते रहते हो तुम गुड फॉर नथिंग हो, ये सच नहीं। एक चीज है जिसमें तुम काफी अच्छे हो। हां, क्या? लोगों को हर्ट करने में तुम बहुत अच्छे हो। एक्सक्यूज मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी, अमेरिका इज कंप्लेनिंग, सिस्टम्स आर डाउन, सिस्टम्स आर डाउन, सिस्टम्स आर डाउन, सिस्टम्स। तुम सिस्टम्स की बात कर रहे हो? तुम जानते हो यहाँ क्या क्या डाउन है? किसी की शादी टूटने वाली है, किसी के बेटे ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया, किसी को प्यार की तलाश है, और मेरी जिंदगी का ना सर है ना पैर है। तुम फिक्स कर सकते हो ये सब? सर, मैं तो सिर्फ सिस्टम फिक्स कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन सर, तुम्हारा प्रॉब्लम गॉड फिक्स कर सकता है, या फिर रजनीकांत। रजनीकांत क्यों? क्योंकि हमारे तमिलनाडु में वो गॉड है सर। एक्सक्यूज मी सर, टेक ऑफ करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। थोड़ा सा टाइम और लगा? ओके सर। आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तक आपके भगवान का फोन नहीं आया। आएगा, क्यों ना उससे पहले हम 10 मिनट का कॉफी ब्रेक ले लें। हाँ, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। चलिए जल्दी से सुनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक फोन आया। नाइस कलर ना। पिक अप द फोन समवन। और किसी को आशी की सूझ नहीं रही है। हेलो। हाय पीयू। शी हेट्स बीइंग कॉल्ड पीयू। गॉट इट। हाय, एंड इट्स प्रियंका। ओह, सॉरी सॉरी। हाउ वाज योर डे? आई मीन, हाउ वाज योर नाइट? गणेश, मम्मी कह रही थी कि तुम बहुत बड़े पोपट हो। ओहो, मम्मी ने तुम्हें बता दिया? मैं तो तुम्हें खुद गुड न्यूज़ देना चाह रहा था। कल मेरे मम्मी और पापा तुम्हारे घर आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने के लिए। डेट फिक्स करने? 30 फरवरी कैलेंडर में ही नहीं है। एनीवे, अगले महीने मैं आ रहा हूँ, पहले शादी और फिर हनीमून। बोलो, बहामास या एब्रोमैटिक पेरिस? अरे साले गुड, तू जाने वाला अकेले ही है, तू ही डिसाइड कर ले। बोलो ना, बहामास या पेरिस। एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही बुक कर देता हूँ। हाँ, वैसे भी कुत्तों को होटल में परमिशन नहीं है। गणेश, ये सब कुछ कुछ जल्दी नहीं हो रहा है क्या इस कंप्यूटर एज में? तुमने मुझे हाँ कहा है ना? हाँ, पर ये शादी है, हमें दूसरे से मिले तक नहीं है, और ये हमारी जिंदगी का सवाल है। एक महीने में कैसे? एक महीना हो या एक साल, शादी मुझे तुम्ही से करनी है। और सच पूछो तो मैंने तुम्हारे फोटो से शादी कर ली है, बस टोली में बैठा के अमेरिका लाना बाकी है। और तू गधे पे आना। गणेश प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका, तुमने मम्मी से बात की है ना? कितनी खुश है वो। यार, ये मम्मी से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? उन्हें चाहे तो कर ले जाए, इनफैक्ट अभी ले जाए। साला मदर डकर। आई नो फैमिली इज इम्पोर्टेंट, पर गणेश आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे सोचने का वक्त दो। जस्ट नाइट। ओके, बाय बाय। सब ठीक तो है? फाइटिंग फिट सर। प्रियंका, विदेश बात हो गई? एनी ट्रबल इन पैराडाइज? अपने हनीमून की बात कर रही थी, एनी प्रॉब्लम्स? नेवर। अगर मेरी शादी में मुझे लेक्सस मिल जाए, मैं भी खुशी खुशी चल दूँ एक हनीमून के लिए। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर लेक्सस मिले तो चले जाओ हनीमून के लिए बहामास या पेरिस। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? तुमने कहा बहामास या पेरिस? नहीं, मैंने कहा चले जाओ हनीमून के लिए। उससे पहले अगर लेक्सस मिले तो? हा? शाम, तुमने कहा बहामास या पेरिस। अच्छा, मैंने ऐसे कहा? तूने ऐसे सुना? नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा।
बात मत बदलो, तुमने कहा था बहामास या पेरिस? हाँ कहा था, मैंने भी सुना। अरे तो कहा होगा ना, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? यार यही दो जगह गणेश ने भी बोली थी, इन्हें कैसे पता? तुमने मेरा फोन टैप किया था? हाँ। नहीं? हाँ? हाँ, हमने टैप किया था जी। यार तुमने तो मुझे बताया था तार कैसे जोड़ने। शेमलेस पीपल, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। देखो प्रियंका, एक काम करो, आपको तुम्हें तुझे तेरे को इस बारे में जो करना है कर ले, वैसे भी बाकी क्या रखा है। प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहो, वैसी प्रॉब्लम्स कम नहीं है। अरे छोड़ यार, इनके मुंह नहीं लगो। ओए ईशा, वो चांस तू खो चुकी है। शट अप रूम। गाइस गाइस, 2:30 टीम मीटिंग, रिमेंबर। हाय गाइस, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि इस कंपनी में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के साइज को थोड़ा कम करना है। इसका मतलब नौकरियां जा रही है। So it wasn't a rumor. लेकिन आप लोगों को निकाल क्यों रहे हैं? अभी भी इतना कुछ हो सकता है। क्या किया जा सकता है? यू टेल मी, जब मुझे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है तो और किसी को कहां से आएगा? सर मतलब किन किन की नौकरियां जा रही है वो मतलब कब तक पता चलेगा? लिस्ट बन रही है, सुबह तक मालूम हो जाएगा। कितने लोगों की नौकरी जाएगी? Well, कोशिश करके भी मुझे लगता है कि 35-40% तो। This is absolutely crazy, sir. I can't help it, guys. I'm really sorry, but I have no choice. Sir, this is ridiculous. इसका मतलब 1000 agents? Hey, Mr. Journalist, 1000 क्या? इस कंपनी को बचाने के लिए अगर 2000 लोगों को भी निकालना पड़े ना, तो that's all right. That's the reality. I mean, it's the moment of truth. समझे? Hello. Ah, oh, my big brother from Boston. Anytime is a good time to hear your voice, sir. Could you just hold on a moment, please? Thank you. मैं देखता हूँ किस किस की नौकरी मैं बचा सकता हूँ. You may go. God bless America. Hello, sir. Room. Receiver side में रख के extension 2 दबा दे. साला बॉस्टन शिफ्ट करा है ये कहकर कि वेबसाइट मैनुअल उसने बनाया। साले ने मैनुअल पढ़ा भी है क्या? I'm gonna kill this bastard. ऐसे तो नौकरियां पक्की चली जाएंगी। अरे भाड़ में गए ऐसी नौकरी। क्यों ना हम गोरों को मेल करके बता दें इसने क्या किया है? और वो मानेंगे किसकी? मैनेजर की जो रोज उनसे दिन में 10 बार बात करता है या हजारों में से एक एजेंट की? पहले शादी और अब नौकरी। ग्रेट। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रूम, जब दुश्मन चालाक हो तब जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। मतलब? मतलब ये कि कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। That's right, Vroom. आज की रात दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे। सपना पूरा करने के लिए पहले मैं अपने घर वालों से लड़ी, फिर इस शहर से लड़ी, दुनिया से लड़ी, मेरी किस्मत से लड़ी, लड़ी लड़ी लड़ी, आज भी लड़ रही हूं। 3 साल से कुछ नहीं हुआ। 3रे साल
फैशन वीक में चांस न मिलने के डर से मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मुझसे झूठ बोला, he used me. I hate myself. ये सब क्या हो रहा है? I'm sorry, ईशा। रूम, ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुमको क्या हासिल हुआ उस आदमी के साथ सोके? और वो सब क्या था ईशा? काम के लिए घर छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, और आज जब मैंने मजाक में कहा कि हमने कितनी रातें यहां गुजारी है तो तुमको कितना बुरा लगा? अब तुम्हारी सच्चाई सुनने के बाद मुझे कितना बुरा लगा होगा? Why are you talking to her like this? इसकी जिंदगी है, जो मर्जी करे। तुम कौन होते हो इसको सबके सामने ऐसे बेइज्जत करने वाले? Yeah, you're right. Who am I? I'm sorry. इसको बोलो I'm sorry, Isha. It's okay, Vroom. तुम्हारी बातों में सच्चाई थी, इसीलिए मुझे बुरा लगा। I need a break. I need to get out of here. Vroom, मैं भी साथ चलती हूँ। I need a chemist. I think I need a drink. I think we all do. I think it's best we all take a break. ये तो पर्ची है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का है। रात के 3 बजे मैं प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से लेकर आऊँ? सॉरी मैडम, उसके बगैर हम आपको ये दवा नहीं दे सकते, समझिए। आप प्लीज समझने की कोशिश करो। आई रियली नीड दोज मेडिसिन। सॉरी मैम, क्या हो गया राधिका? देखो ना अंकल, इन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, इस वक्त कहाँ से लेकर आओ? एक्सक्यूज मी, दे दो ना यार, कोई जरूरत होगी तभी तो दवाई चाहिए। देखो साहब, ये नॉर्मल दवाई नहीं है, एंटी डिप्रेशन दवाई है। आजकल के यूथ इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, प्लीज। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, समझते नहीं आप? थैंक यू राधिका, ये दवाइयाँ जरूरी है, ये बोल रहा है साइड इफेक्ट्स हैं। अनुज मेरी दुनिया, मेरा सपना था, उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने उसे शादी कर ली। कुछ ही दिनों बाद वो सपना टूट गया और वो टुकड़े चुभने लगे, फिर सांस गले फाड़ फाड़ के ताना मारने लगी। अंकल मैं सह लेती, लेकिन अनुज मेरे बदले अपनी माँ की तारीफदारी करने लगा, फिर जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करा दिया और रात को मुझे कॉल सेंटर में लगा दिया, जैसे कि दिन में पूरा घर संभालना कोई आसान बात थी। और रही सही कसर, आज अनुज ने फोन पे पूरी कर दी। आप ही बताओ अंकल, मैं क्या करती? मैडम आपकी दवाइयां। मेरा अपना फलक है, मेरे अपने सितारे हैं।
कल का हर पल अपना हो जाएगा। जो मिलता है वो नसीब से, पल में कुछ होता नहीं, पल में कुछ मिलता नहीं, सब कहने की बात है। मेरी अपनी हिम्मत है, मेरे अपने सहारे हैं, मेरे अपने तूफान है, मेरे अपने किनारे हैं। मैं तारे सब तो अपने हैं, छिमे सारे अपने सपने हैं। जीना भी दस्तूर है, मंजिल कितनी दूर है, कितनी अजीब ये बात है। मेरी अपनी बॉडी दिखाता है। वो, चाबी मुझे दे, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अगर गाड़ी है तो व्रूम चलाएगा। व्रूम देख, तुझे बहुत ज्यादा चढ़ी है, चाबी मुझे दे। झूठ मत बोल। अच्छा तो बता ये कितनी उंगली है, बता बता। तो ऋतिक रोशन है हा? नहीं तो पांच होंगी ना। अच्छा चल गहरी सांस लेके दिखा, चल दिखा दिखा। देखा मैंने कहा था ना। चलो अभी सलामत दे, हाथ दे। रूम तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? शाम हम इन टूथपेस्ट वालों की तरफ क्यों नहीं हंस सकता यार? देख एक अखरोट चबाने के बाद झूठा कैसे हंस रहा है, और वो देख गंदे कपड़े धोने के बाद भी कमीनी कितनी खुश नजर आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं यार रूम के। तू? मैं समझाता हूँ। मैं जो हूँ ना, आधा अपने बाप से बना हूँ और आधा अपनी माँ से, और उन्होंने जिंदगी भर एक दूसरे से झगड़ा किया, इसलिए मेरा एक तरफ मेरे दूसरे तरफ से झगड़ा करता है। यार उनको छोड़, उनकी तो वैसे भी लगी हुई है। हम लोग चलते हैं। आजा चल 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 चल, चल, चल। यार अब क्या हुआ? ये हमारे यूथ आइकॉन, इन भाई साहब को देखो, बल्ला उठा के कहते हैं आइला बिस्कुट खा, और ये नौटंकी मुस्कुरा के कहती है कोला पियो। तुझे मालूम है कि कोला में कितना शुगर होता है? 7-8 चम्मच। पॉइजन, डायबिटीज, ये है हमारे यूथ आइकॉन। अरे पैसों के लिए ये चड्डी को भी बनियान बोल के बेचते। यूथ आइकॉन कह के मन में क्या कर रहे है? अबे क्या कर रहे है? अबे क्या हो? चल चल निकल 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 निक
टिकी हुई है, हम जरा सभी हिलेंगे तो हो सकता है गाड़ी नीचे गिर जाए। यूज योर फोन्स, सेल फोन्स प्लीज। किसी को फोन करने की कोशिश करो, मदद के लिए फोन करो। शिट, नो नेटवर्क। नेटवर्क है? देयर इज नो नेटवर्क। शिट 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 गाइस, देयर इज नो नेटवर्क। No network. Hell, hell. जब जरूरत होती है तब ये कभी काम नहीं करता। God, अब? Sorry guys. It had to end like this. लेकिन कल के हेडलाइन सोचो। A drunk driver killed 6 working at a call center. अगर मुझे एक और मौका मिलता तो शायद मैं अपनी जिंदगी थोड़ी अलग जीता। मैं भी यही सोच रही थी। वैसे भी मेरी जिंदगी में क्या रखा है जीने के लिए। हुए फोन से कैसे? लेकिन बज रहा है। पिक इट अप शाम। उठा। शाम पिक अप द फोन। शाम पिक इट अप। हु इज इट? किसका फोन है? हु इज इट? इट सेज गॉड। क्या? स्टॉप जोकिंग यार। शाम कम ऑन। शाम गॉड। हेलो 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 शाम, व्रूम, ईशा, प्रियंका, राधिका, मिलिट्री अंकल, आप हमें जानते? तुम अपने आप को जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा। आप सच में गॉड हो? मैं तो सिर्फ सच ही जानता हूं, झूठ तो तुम इंसानों ने बनाया है। ये बताओ, जिंदगी यहां तक पहुंची कैसे?
शायद आपने हमारी किस्मत में ये लिखा होगा। नहीं ब्रो, किस्मत मैं नहीं, तुम्हारे कर्म लिखते हैं जिसके फल ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन दुनिया में तो सब कुछ आपकी मर्जी से होता है ना। ये दुनिया कहती है, मैं नहीं। लेकिन दुनिया भी तो आप ही ने बनाई है। लेकिन रहते तुम लोग हो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं ये फैसला तुम लेते हो, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता हूँ, जैसे कर्म वैसा फल। लेकिन कर्म भी तो हालात पे है ना, और हालात हमारे बस में थोड़ी ना है। चलो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एक दिन में तुम कितने कॉल सुनते हो? 100-200। और इन सब कॉल्स में सबसे जरूरी कॉल कौन सी है? मेरी कॉल। लेकिन हम आपको पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। ये सच नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सबको मैंने एक आवाज दी है, अंदर की आवाज, तुम्हारी आत्मा की आवाज। वो आवाज मेरी है जो किसी भी काम से पहले तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए है, जिसे तुम सुनना पसंद ही नहीं करते। क्योंकि वो आवाज हमें कई चीजें करने से रोकती है, डराती है। क्यों रोकती है, कैसे डराती है? क्योंकि हम सब वही करते जो हम करना नहीं चाहते। हम ऐसी जिंदगी कैसे जी सकते हैं? तो ये जिंदगी कौन सी बेहतर है जिसपे तुम मेरी आवाज अनसुनी करके चले? क्यों डरते हो सबसे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? अपनी अंदर की आवाज सुनकर सही रास्ते पर चलते तो शायद जिंदगी बेहतर होती। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमें क्या कमी थी जो हम दौड़ में पीछे रह गए? सोचने के तरीके को बदलना होगा। सफलता के लिए चार चीजें जरूरी हैं। पहली दो तुम्हारे पास हैं, थोड़ा दिमाग, थोड़ी कल्पना। तीसरी चीज है आत्मविश्वास, जो तुम धीरे धीरे खोते जा रहे हो। कोई कुछ भी कहता है तुम मान लेते हो। और चौथी? चौथी चीज सबसे कठिन है, हारना। हारना? हाँ, जीतने के लिए हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक डर तरक्की रोकता है, आगे बढ़ने से, फैसले लेने से, हर चीज से रोकता है। तुम सब अपनी जिंदगी में हार के डर से भाग रहे हो। जब तक गिरने से डरोगे तब तक उड़ना नहीं सीखोगे। हम सब लोगों तक आपकी बात पहुंचाएंगे, हार कर जीतना सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तुम अपने अंदर की आवाज को कभी नजरअंदाज मत करना। तुम सिर्फ अपना आज बदलो, कल का वादा मेरा है। क्या हम यहां से निकल पाएंगे? प्रकृति का नियम है, जैसे शुरू वैसे खत्म। Ready for the first step? Isha. I got it. Chalo. Yes. Let's go. Hello, Bakshi. Hello, Mr. Bakshi. There's a very important call for you from Boston. Oh, Boston. Oh, right. Put it through. Oh, we're so sorry. We cannot transfer the call to Main Bay 3. Could you please hurry to Bay 2? Main Bay. Yes, sir. I'm on my way. Thank you. New York, New York. And that's my chair. Get up. Mm-hmm. Huh? और ये कैफेटेरिया किसने तोड़ा? मुआ, catch that, sir. Huh? आपकी तो बहुत बुरी तरह लग गई. What do you mean कि मेरी लग गई? And please get up from that chair. बख्शी, ये आपने जो मेल लिखा है, ये आप पढ़ना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे? What mail? Mail, email. To the female. Give me that. Dear Isha,
My offer is very simple. Just one night with me, you make me happy, and I will save you from right sizing. नौकरी बचाने के लिए एजेंट के साथ सोने की बात बहुत गलत बात है सर, वेरी शेमफुल. लेकिन ये तो मैंने कभी लिखा ही नहीं है. सर, मैं आपको अपने पापा जैसा समझती थी, और आप but प्लीज आई तुम्हें शर्म आनी चाहिए बख्शी. दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. लेकिन ये कभी ईशा काम डाउन ईशा, मैंने तुम्हें ऐसी नजरों से कभी देखा ही नहीं है. जब तुम ये छोटे स्कर्ट वो पहन के आती हो ना, तब भी नहीं देखा. शट अप यू सिको. सिको सर, आपने ये ईमेल नहीं लिखा है वो आप साबित कर सकते हो, और बॉस्टन वाले आपकी बात मानेंगे. बॉस्टन वाले? लेकिन इसमें ये बॉस्टन वालों का क्या लेना देना है? ओए अमेरिकन कबूतर, अगर नहीं है ना तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे मीडिया में बहुत दोस्त है, और जब इसको हर टीवी चैनल कवर करेगी ना तो बॉस्टन बॉस्टन सवाल करेगी. हम खड़े हैं उस कॉल सेंटर के बाहर जिसके मैनेजर ने नौकरी के एवज में एक लड़की से उसकी इज्जत की मांग करी. उस वासना के दरिंदे का नाम है सुभाष बख्शी. वो ऐसा भेड़िया है, देखिए वो भेड़िया आ गया है. आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो आपको कह सकता. आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? तुम लोग चाहते क्या हो? बड़ी डिमांड के पहले एक छोटी सी डिमांड सर. इफ यू कुड टर्न अराउंड सर, प्लीज टर्न अराउंड सर, थैंक यू. आई लव अ मैन विद नो पोटेंशियल. ओह दैट फेल्ट गुड. जस्ट वन मोर टाइम सर. अरे थैंक यू. सिंपल सवाल, व्हाई डू यू डू दिस? देखो बॉयज, अब सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं क्या करता? या तो तुम्हारी नौकरी जाती, या तो फिर मेरी नौकरी जाती. बेटर है कि तुम्हारी नौकरी जाए. You see, life is like a game of snakes and ladders. जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है. कुछ लोगों को सांप डस लेता है और कुछ लोग सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं. मुझे तुम लोगों की वेबसाइट की सीढ़ी मिल गई, मैं सीढ़ी पे चढ़ गया. लेकिन in any case now, it's too late, you see, because अगले हफ्ते मैं बॉस्टन जा रहा हूँ. But I have to say कि I wish you all the best for a very bright future. I will miss you, boys. And so will Boston. Right. Boston? इसमें Boston का क्या लेना देना है? तेरा बाप तुझे देख रहा है. Bakshi, this is unbelievable. I never expected this from you. Stealing manuals, threatening people. What are you running down there? Your own kingdom? So please try and understand. You see, I was only trying to help these boys. I was trying to protect them. You better pack your bags, Bakshi. You're fired. I'm fired? Get your babby ass out of there, Bakshi. You can't do this to me, sir. I promise you, I will. You're fired. I'm fired. Oh my God. Sidhi ka khel, Bakshi. 99 se seedha zero pe aa gaya tu. Time to go now. Don't worry, we'll do the packing. Get out. Hato. See you, sir. Bye bye. Thank you, Agent Sam. Agent Victor. Sir, it's not Sam and Victor, but Sharman and Varun, sir. I understand it's hard for you to pronounce our names, but it's important for you to address the people correctly if you want to do business in our country. Okay, agents, Sham and Varun. What's step two? Well, step two would be call volumes badhane ki koshish. Job hi bachani hai. Sir, to increase the call volumes and save the jobs by this morning. By the morning? Seems impossible. But if you guys can do that, then we will truly believe that India is a land of miracles. Trust us, sir. India is truly a land of miracles. All right, good luck and Godspeed. Let's get the fire started. बच्चन, कल से फुर्सत ही फुर्सत है, अभी यहां ध्यान दे. खबर यह है कि हम में से 500 लोगों की कल नौकरी जाने वाली है, और गोरो ने वहां लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, कल सुबह तक पहुंच जाएगी. अरे बॉस, ये कैसा मजाक है? ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? क्यों नहीं, हमारी नौकरियां तो छोड़ो, हमारी सरकार तक उन पर डिपेंडेंट है.
क्योंकि वो लोग कहते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड है और हम लोग थर्ड वर्ल्ड है और हम लोग ने ये मान भी लिया. That's not right. But they are white and they always think that they are right. लेकिन ये तो गलत बात है. गलत तो बहुत कुछ है. हम लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चुप बैठते हैं और वो लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं. उनकी नौकरी उनका पैसा तो मर्जी भी उन्हीं की. तो आप क्या आग लगानी पड़ेगी. लेकिन यहाँ नहीं वहाँ उन गोरों को समझाना पड़ेगा कि अगर हम उनको चार गुना कमा के दे सकते हैं तो वक्त आने पे दे भी सकते हैं. हाँ हाँ लेकिन ये सब होगा कैसे. आम तौर पे गोरे बेवकूफ होते हैं और उनकी फटती भी बहुत है क्योंकि उनकी जिंदगी में खोने के लिए बहुत कुछ है इसलिए उनको डराओ. ठीक है लेकिन ये सब होगा कैसे. उन्हें कह दो कि उनके कंप्यूटर्स में वायरस है और उससे बचने के लिए उन्हें हमें फोन करते रहना पड़ेगा. फिर देखना कल सुबह तक गोरों पे इतने फोन आएंगे कि उसे हैंडल करने के लिए कम से कम 500 अकलमंद ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. Ain't we right? Hey! I can't hear you. Hey! Yes. Let me inform you that this is the most dangerous virus that has ever been found. I better get home then. Mr. Phillips, there's a dangerous virus in your computer. Please take that extremely seriously and keep calling us back. What? A virus attack? Thanks for the warning. मैंने कहा था ना इंडिया बेटर है. Kindly call us before you decide to use any of your appliances. Thank you. हाँ फाइनली शिफ्ट खत्म. आई एम सो एक्साइटेड कि तू चंडीगढ़ आ रही है. ऑफ कोर्स बस मिलिट्री अंकल अपने डिवोर्स वकील से इंट्रोड्यूस करा दे देन आई विल बी फाइन. और एक चांस देना चाहती है. हाँ आई डोंट थिंक सो. अपनी सास के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का मेरा कोई मूड नहीं है. थैंक यू. आई लव दैट. हे तुम जा रहे हो. हाँ रूम के साथ बाइक पे. आई एम गोइंग टू मिस यू श्याम. I'm going to miss you too. I'm sorry. सब कुछ उल्टा हो गया. चलता है. I'll get my bag. एक बात बताओ श्याम. हमारा देश गरीब है लेकिन हम उसे प्यार करना बंद तो नहीं कर देते ना. Of course. हमारा जो है और पोटेंशियल भी है. तुम सुबह सुबह ये देशभक्ति की बातें क्यों करने लगी. क्योंकि ये लॉजिक शाम पे भी अप्लाई होती है. जो आज सक्सेसफुल नहीं उसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं और उसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि उसे प्यार करना छोड़ दिया जाए. प्रियंका ये बिल्कुल गलत बात है. मैं सारी रात तुमसे नफरत करने की कोशिश करता रहा और तुम ये अच्छी अच्छी लाइंस बोल के लेकिन अब क्या फायदा. मैं लेग से सुला नहीं सकता मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट की तरह. गणेश नॉट मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट. गणेश सॉरी. मारुति 800 शायद पर लेक्सिस नो वेज. मारुति एसी या नॉन एसी. छोड़ो ना तुम भी अब. वैसे तुम्हारी शादी का है? तुम्हारी मॉम तो धूम मचा देगी. होगी किसी फाइव स्टार में. कब से बचा के रखा है. तुम आओगे ना नहीं तो अजीब लगेगा. पता नहीं पर मेरे ना आने से अजीब क्यों लगेगा. दूल्हा अपनी शादी में नहीं आएगा तो अजीब लगेगा ना. क्या क्या बोली तुम. I'm sorry, Shyam. I really am.
I'm sorry कि मैंने तुम्हें इतना जज किया. I'm sorry that I wasn't patient with you. I'm sorry कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया. I'm a cold, insensitive, confused, selfish bitch. I'm sorry. Come on now, please don't cry. वैसे self-assessment अच्छी है. मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ शाम. Will you marry me, Shyam? सिवाय तुम्हारे मुझे कोई नहीं जानता, और जानने के बाद भी अगर कोई मुझे चाहता है तो वो सिर्फ तुम हो शाम. प्रपोजल माइंड ब्लोइंग है, पर नहीं है. मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं प्रियंका, और इस नए शाम को जिंदगी खुद जीनी है. तुम्हारे लिए गणेश ठीक है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है. आई थिंक इट्स बेटर दैट वे. पर शाम, आई एम सॉरी. वापस आने के लिए शुक्रिया, पर अब मुझे आगे बढ़ना है. सॉरी यार, चल. पानी पी रहा था कि नहा रहा था? नहीं यार, वो प्रियंका ने मुझे प्रपोज किया. फिर क्या, मैंने मना कर दिया. क्या? प्रियंका ने शाम को प्रपोज किया और इन भाई साहब ने ना कह दिया. चिल गाइस, प्रियंका के लिए यही ठीक था, और मैंने जो ठीक समझा वो किया. वैसे भी नए शाम को नई जिंदगी जीनी है. What happened? Let's go. यार मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ ना. यार अगर गणेश की मम्मी डैडी ने पराठे खा लिए तो गेम ओवर. यार तू पकड़ सकता है? ऑफ कोर्स पकड़ सकता हूँ. जा किसी का हेलमेट लेके आओ, बैठ जा पीछे. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो रूम, लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो. वे पहले स्टार्ट तो करने दे. प्रियंका, आई एम सॉरी. वो सब क्या था? नई शुरुआत, नया शाम. यार वो डायलॉग सिर्फ बोलने में अच्छे लगते हैं. नए शाम को हर चीज नई थोड़ी ना चाहिए. जाना, गो प्रियंका. मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने तुम्हें खो दिया, तो मैं वापस कभी नहीं पाऊंगा. Yes, I will. और इस तरह उनकी जिंदगी को एक नया रास्ता मिल गया. लेकिन ये नया रास्ता उन्हें लेके कहाँ गया? मिलिट्री अंकल ने यूएस का वीजा ले लिया और अपने बेटे और पोते के पास चल दिए दोस्ती करने. व्रूम और शाम ने अपनी खुद की वेबसाइट कंपनी खोल ली. एक महीने में लोकल ऑर्डर्स मिलने लगे और इंटरनेशनल ऑर्डर्स की भी बात चल रही है.
खुश है क्योंकि अनुज और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ईशा ने मॉडलिंग छोड़ के एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। अब वो गरीब बच्चों के लिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से फंड्स रेज करती है। बीएड कर रही है, बच्चों की स्कूल टीचर बनने का भूत चढ़ा है। मुझे लगता है प्रियंका से क्यूट नर्सरी टीचर कोई हो ही नहीं सकती। जाहिर है वो शाम की तरक्की से बहुत खुश है। वाह, गुड स्टोरी, अच्छी लगी। पर एक चीज जो शायद लोगों को अटकेगी, क्या? वो भगवान का फोन। उसमें क्या? मुझे लगता है कि कई लोगों को नहीं जमेगा। लोगों को आजकल रियलिटी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक तो होना चाहिए। ठीक है, मैं एक और रास्ता बताती हूँ, लॉजिकल। ओके ओके, रिवाइंड करो। सब लोग कंस्ट्रक्शन साइट में फंसे हैं और उन्हें लगा उनका अंत आ गया है। तो सोचो कि उस वक्त मिलिट्री अंकल बोलने लगे, मतलब जो भी भगवान ने कहा वो दोस्त और गाइड बनकर मिलिट्री अंकल ने कहा। किस्मत भगवान नहीं, हमारे कर्म लिखते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। बस आखिर गॉड ने सलाह ही तो दी थी, चमत्कार तो नहीं किया। ऐसा हुआ था? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस कहा कि कहानी बताने का ये एक तरीका है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम कौन सा तरीका चुनोगे। गॉड वाली जिंदगी में लॉजिक हो ना हो, गॉड के साथ बेटर हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। ईशा राइट? मैं ईशा नहीं हूँ। प्रियंका? नो। राधिका? नो। डोंट टेल मी शिफाली। नो। लेकिन अगर आप इनमें से कोई नहीं हो तो फिर आपको ये कहानी कैसे पता? आप हो कौन? अगर आप यकीन करते हो तो आपको यकीन हो जाएगा। लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की सर? अरे यार जो अभी अभी मेरे साथ थी। हम तो कब से यही हैं सर, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। Pick it up, now pick your phone up. Hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up. जब फोन के घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो 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 हेलो, भागे भागे फिरते हैं पर लाइफ है स्लो हेलो 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 हेलो, जब फोन के घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो 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 हेलो, भागे भागे फिरते हैं पर लाइफ है स्लो हेलो 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 हेलो। Hello, 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 hello
शादी।